हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर, टेस्टी और एकदम फटाफट बनने वाला मोदक प्रसाद की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम रवा और टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट के साथ बना के तैयार करेंगे। इसे बनाना जितना आसान है, दिखने में उतना ही सुंदर, खाने में उतना ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। थोड़ा सा घी हम रख लेंगे मोल्ड को ग्रीस करने के लिए। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। आप देख सकते हैं घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हमें ज्यादा देर फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि ये फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ही सुंदर लगता है। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को घी में 1 मिनट तक भून लिया। अब हम इस स्पैचुला की मदद से इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब हम इसी घी में डालेंगे 1 कटोरी सूजी यानी कि रवा। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी रवा लिया है, इसको घी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं घी के डालने के बाद रवा अपना घी में डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि सूजी की कच्चापन दूर कर देनी है। आप देख सकते हैं हमने रवा को भून लिया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज हो गया है। तो ये सारी पहचान है रवा भूनने की। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे इसमें गरम गरम दूध, और दूध को हम अच्छे से रवा के साथ मिक्स करेंगे। साथ में हम शक्कर भी डाल देंगे। तो 1 कटोरी रवा के आधा कटोरी शक्कर सही होता है। जिसे ज्यादा मीठा पसंद है तो मात्रा बढ़ा घटा सकते हैं। अब हमें अच्छे से शक्कर को दूध रवा के साथ मिक्स कर लेना है। तो एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। कंटिन्यू चलाते हुए हमें तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं दूध डालने के बाद रवा अपना अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मिक्स कलरफुल टूटी फ्रूटी। ये टूटी फ्रूटी जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है, और ये मोदक में डालने पे बड़ा ही कलरफुल मोदक तैयार होता है। तो इसे डाल के आप जरूर बनाइएगा। तो हमने टूटी फ्रूटी डाल लिया। हम टूटी फ्रूटी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने रवा के साथ टूटी फ्रूटी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है और इस डो को एक प्लेट में निकाल लेना है। तो हम एक प्लेट लेंगे, उसमें डो को निकाल लेंगे। हमने रवा डो को प्लेट में निकाल लिया है, ये ठंडा भी हो चुका है। तो सबसे पहले हमने जो ड्राई फ्रूट भूना था उसमें थोड़ा सा डो लेके ऐसे मिक्स कर देंगे, जिससे कि स्टफ करने में ये आसानी होगा। तो हम थोड़ा सा और डो लेंगे और ड्राई फ्रूट्स में ऐसे मिक्स कर लेंगे, इससे अंदर भरने में आसानी होती है। हमने ड्राई फ्रूट्स डो में मिक्स कर लिया है। अब हम पहले जो थोड़ा सा घी बचाए थे
उसमें से लेंगे और मोल्ड को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो आजकल मोल्ड जो है बाजार में इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डो लेना है और मोल्ड के आधे हिस्से में ऐसे भर देना है और इस हिस्से में हम थोड़ा सा भरेंगे, फिर हम दोनों को क्लोज करेंगे और बीच में हम ऐसे दबाते हुए एक होल बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स मिक्स किया था उसको ऐसे भर देंगे, इससे मोदक का टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाता है और भगवान का प्रसाद टेस्टी हो तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, तो हम ऐसे आराम से मोल्ड को खोलेंगे और फिर हम दूसरे हाथ से ऐसे धीरे से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टूटी फ्रूटी रवा मोदक का शेप भर के आया है। इसको हम रख के दूसरा भी आप लोगों को बता देते हैं। दूसरा तरीका है कि हम मोल्ड को पहले ही क्लोज कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा डो हम डालेंगे, अंगूठे से हम प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम डो लेंगे और मोल्ड में डालते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अंगूठे की मदद से बीच में ऐसे होल तैयार करना है। इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स वाला जो डो के साथ पेस्ट तैयार किया था उसको थोड़ा सा भर देंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार होता है और बनाना कितना आसान है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। एक्स्ट्रा हम डो को ऐसे लेयर में निकाल लेंगे। अब हम डिमोल्ड करके दिखा दे रहे हैं, आसानी से ऐसे खोलना है, दूसरे हाथ से धीरे से इसे निकाल लेना है। अरे वाह, भगवान का ये प्यारा प्रसाद कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए हम ऐसे ही सभी मोदक को तैयार कर ले रहे हैं। हमें मोदक मोल्ड को क्लोज करना है, थोड़ा थोड़ा डो डाल के ऐसे प्रेस करना है। मोदक मोल्ड कई तरीके का मार्केट में आता है, आपको जो मिल सके वो ले आइए और फटाफट प्रसाद घर पे बनाइए, भगवान को चढ़ाइए। हमें ड्राई फ्रूट्स अंदर डाल देना है, ऊपर से थोड़ा सा डो लेके प्रेस करते हुए डीमोल्ड कर देना है। कितना सुंदर मल्टी कलर आ रहा है टूटी फ्रूटी का। तो चलिए हम बाकी के मोदक फटाफट तैयार कर लेते हैं। तो आपने देख लिया, हमने रवा टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट के साथ मोदक बना के तैयार कर लिया है। कितना बढ़िया मोदक तैयार हुआ है। तो जो दिखने में अच्छा लगता है वो भगवान को भी प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस मोदक की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, भगवान को प्रसाद अर्पण कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।